केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया। शेखावत शनिवार दोपहर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और दावा पत्र पेश किया। केंद्रीय मंत्री ने संजीवनी घोटाले में उनके परिवार के बारे में की गई बयानबाजी को केस का आधार बनाया। दरअसल गहलोत ने 21 फरवरी को सचिवालय में बजट की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के माँ बाप पत्नी सहित पूरा परिवार शामिल है। वहीं इस मामले में गहलोत ने भी गजेंद्र सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अफसोस है, ऐसे घपलेबाज को पीएम ने मंत्री बना रखा है, ये कैसे मंत्री रह सकता है। संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह पर गहलोत लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं। गहलोत और गजेंद्र सिंह पर सरकार गिराने के षड्यंत्र के मुख्य किरदार होने के आरोप भी लगाते रहे हैं। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस को राजस्थान की सियासत में विवाद की प्रमुख कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले में खुद को बेकसूर बताते हुए सीएम गहलोत पर राजनीतिक दुश्मनी से बयान देने के आरोप लगाते रहे हैं। मानहानि केस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे घपलेबाज को आप अपने मंत्रिमंडल में कैसे रख सकते हैं, ये तो सब कागजों में है कि घपला हुआ है। केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठा रखा है, संजीवनी घोटाले में पीड़ितों से बात तक नहीं करता। गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह के मानहानि केस का स्वागत है, कम से कम इस बहाने केस आगे बढ़ेगा।